दिल्ली सरकार ने अपने चुनावी वादों की लिस्ट में बड़े जोर शोर से कहा था कि जितने भी गेस्ट टीचर्स हैं उन्हें पक्का किया जाएगा, लेकिन ढाई साल बीत जाने के बाद भी नौकरी पक्की नहीं की, उल्टा सरकार ने उन्हें निकालने की तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने DUSSB को 8000 नए टीचर्स की भर्ती के लिए बोला है। ऐसे में उन सभी गेस्ट टीचर्स के भविष्य पर तलवार लटक गई है। इस पर दिल्ली बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर जमकर हमला बोला। आइए आपको सुनाते हैं प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा। ये 17000 वो लोग हैं जिनको अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम आपको परमानेंट करेंगे, और इस वादे के अनुसार उनका बहुत राजनीतिक लाभ भी लिया उन्होंने, लेकिन आज वो 17000 टीचर उसी स्थिति में है। वो परमानेंट होना तो दूर, अब उनकी नौकरी जाने के कगार पे है, क्योंकि जो जिस व्यवस्था से शिक्षकों की भर्ती होती है, सबॉर्डिनेट व्यवस्था से, उसमें लगभग 8000 लोगों की नई भर्ती निकाल दी गई है। हाल ही में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए दिल्ली के पूर्व मंत्री अरविंदर सिंह लवली का कहना है कि अगर किसी सरकार को झूठ बोलने में मास्टर डिग्री हासिल है तो दिल्ली सरकार को झूठ बोलने में PhD है। दिल्ली में टीचर्स की भर्ती DUSSB के पास है और सरकार के एक विधायक ये कहते हैं कि वो टीचर्स को पक्का करने का रेजोल्यूशन पास करवा रहे हैं, जबकि दिल्ली सरकार सिर्फ गेस्ट टीचर्स को बेवकूफ बना रही है। अगर दिल्ली सरकार में गेस्ट टीचर्स के लिए 1% भी हमदर्दी होती तो कैबिनेट नोट लेकर आते और उपराज्यपाल की मंजूरी लेते, लेकिन ये लोग सिर्फ टीचर्स को बरगला रहे हैं। इनकी नौकरी पक्की करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। सरकार की गंभीरता इसी बात से पता लगा सकते हो कि इस सरकार के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि हमारा एक विधायक रेजोल्यूशन लेके आया था इन टीचर्स को पक्का करने के लिए। विधायक की तो छोड़ दो, अगर सरकार भी रेजोल्यूशन लेके आई हो तो उस रेजोल्यूशन की कोई लीगल सैंक्शनिटी नहीं होती। तो इसलिए ये अपने आप दर्शाती है कि इस सरकार की नीयत उन 17000 टीचर्स के प्रति क्या है। आम आदमी पार्टी ने सत्ता में आने से पहले दावा किया था कि वो गेस्ट टीचर्स को पक्का करेंगे, लेकिन अभी तक पक्का नहीं किया है और बीजेपी इसी बात पर सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी का कहना है कि सरकार सिर्फ झूठ की राजनीति में माहिर है और जनता से उसका कोई लेना देना नहीं है। टूडल न्यूज के लिए दिल्ली से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।